हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। माय नेम इज श्रुति पाल और आज हम कंप्यूटर की ए टू जेड शॉर्टकट कीज जानेंगे। शॉर्टकट कीज का यूज़ क्यों होता है? कोई भी वर्क जल्दी और शॉर्टकट तरीके से करने के लिए हम शॉर्टकट कीज का यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई वर्क है उसमें हम माउस से करेंगे, जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, माउस से करेंगे तो इन सब में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम शॉर्टकट कीज का यूज़ करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कंट्रोल प्लस ए। इससे क्या होता है, ऑल सिलेक्ट होता है। जब आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे तो आपका जो कोई भी पैराग्राफ है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस बी। जब आप नियर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है। जैसे मैं इस हेडलाइन की कॉपी करनी है मुझे, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल प्लस सी करूंगी, ये कॉपी हो गया है। अब मैं इस कर्सर को वहां पर ले जाऊंगी जहां पर मुझे इस हेडलाइन को रखना है। और मैं कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूंगी। देखिए कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होगा और कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस डी। इससे क्या होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट सेट। इससे हमारे जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग वगैरह है ये सब होती है। जब आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप अपने फॉन्ट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको फॉन्ट का स्टाइल कौन सा देना है, साइज कितनी देनी है, अंडरलाइन, कलर, ये सारी सेटिंग आप अपनी फॉर्मेटिंग ये कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई। इससे क्या होता है, सेंटर। कोई भी पैराग्राफ या हेडलाइन उसे आप सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस ई प्रेस कीजिए, वो जो पैराग्राफ है या हेडलाइन है वो सेंटर में हो जाएगी इस तरह से। प्लस जी प्रेस करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा है 15-20 पेज नंबर का, तो आपको पेज नंबर 5 पर जाना है या 10 पर जाना है, तो हम कंट्रोल प्लस जी से शॉर्टकट तरीके से जा सकते हैं। अगर हम माउस से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम कंट्रोल प्लस जब की प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उस पर आप लाइन पर क्लिक कीजिए या फिर अगर आपको पेज पर जाना है तो पेज पर क्लिक कीजिए और फिर नंबर टाइप कीजिए जिस लाइन पर जाना है आपको और गो टू पर क्लिक कर दीजिए। जब आप गो टू पर क्लिक करोगे तो आपका कर्सर वहां पर होगा जो लाइन का नंबर आपने टाइप किया होगा। देखिए मैंने लाइन नंबर 9 टाइप किया था तो मेरा कर्सर लाइन नंबर 9 पे। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस से क्या होता है, रिप्लेस। ये वर्ड को रिप्लेस करता है। जैसे मेरा ये पैराग्राफ है, इसमें मुझे वीडियो की जगह ऑडियो टाइप करना था लेकिन मैंने मिस्टेक से वीडियो टाइप कर दिया है। तो जब आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, आप फाइंड वर्ड पर, यानी कि आपने जो इसमें टाइप कर दिया है, हमने वीडियो टाइप किया है इसमें, और रिप्लेस विद में जो आपको इसकी जगह पर सही करना था, जो आपको सही करके लिखना है वो यहाँ पर टाइप करें ऑडियो। अगर आप फाइंड नेक्स्ट पर करोगे क्लिक तो आपको ये फाइंड करके देगा। देखिए फाइंड करेगा और जब आप रिप्लेस ऑल पे कर दोगे क्लिक पर, हमारा वीडियो था अब ऑडियो हो चुका है। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यानी इसका यूज इसलिए होता है। कंट्रोल प्लस आई। इससे क्या होता है, इटैलिक होता है। जैसे सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हो, यानी कि तिरछा कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस आई प्रेस किया
ये टैली हो गया। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई, यानी कि कोई भी हमारा पैराग्राफ है उसको लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वल कर देता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। जैसे ये अभी फिलहाल जस्टिफाई है, लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वल। प्लस के से क्या होता है, हाइपरलिंक, यानी कि आपकी किसी भी फाइल या इमेज को या आपकी डॉक्यूमेंट से क्या करता है, ये लिंक करता है। जैसे आप कहीं पर भी टाइप करिए, मैं टाइप माई फाइल, मैंने टाइप किया, आप कंट्रोल प्लस के प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पर ऊपर डेस्कटॉप लिखा होगा, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जहाँ पर आपकी फाइल है आप उस पर क्लिक कीजिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स किया है। उसके बाद एड्रेस में आप जो फाइल है उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अब ये जो आपने टाइप किया था उसका क्या हो चुका है, लिंक बन चुका है। अब इसके जरिए आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस कीजिए और माउस से लेफ्ट साइड से क्लिक कीजिए, जो आपने फाइल उसे कनेक्ट किया था वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एल, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इससे क्या होता है, हमारे जो पैराग्राफ या फिर हेडलाइन हो वो लेफ्ट साइड में होती है। अब मैं कंट्रोल प्लस एल प्रेस करूंगी, देखिए लेफ्ट साइड में हो गई। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट, आपने देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में कि लेफ्ट साइड में हमारा स्पेस होता है, तो कंट्रोल प्लस एम से वही होता है कि लेफ्ट साइड में पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में स्पेस होता है, वहां पर आप अपनी इमेज वगैरह कोई भी डाल सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा लेफ्ट साइड में स्पेस होता है, वहां पर इमेज लगी होती है, तो इसमें भी उसका यूज इसलिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एम प्रेस किया तो हमारा लेफ्ट साइड में स्पेस होगा। कंट्रोल प्लस एन, इससे क्या होता है, न्यू फाइल ओपन हो जाती है। जैसे आप इस फाइल पे वर्क कर रहे हो, उसके बाद आपको और वर्क करना है, आपको और नई फाइल चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस कीजिए, आपके पास न्यू फाइल आ जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, जो फाइल आपने पहले सेव करी थी वो फाइल ओपन हो जाती है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करूंगी कि मेरी पहले की फाइल है जो मैंने पहले से सेव कर रखी है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगी, तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, पहले बनाई हुई फाइल, सेव की हुई फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो बनाया है आपको उसका प्रिंट आउट देखना है, तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस कीजिए, इस तरह से तो आप अपना प्रिंट आउट इसमें देख सकते हैं कि प्रिंट आउट निकलने के बाद आपका जो प्रिंट है वो ऐसा निकलेगा। कंट्रोल प्लस क्यू से एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस क्यू से आप अपने पैराग्राफ में स्पेस डाल सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कीजिए, देखिए आपके पैरा हर पैराग्राफ के बाद स्पेस हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर, इससे क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट राइट, मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि कंट्रोल प्लस एल से अलाइन टेक्स्ट, यानी कि जो आपका टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ है वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, और लेकिन इसमें अपोजिट है कंट्रोल प्लस आर से पैराग्राफ या फिर हेडलाइन जो है आपकी राइट साइड में होगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस, ये आपकी फाइल को सेव करता है, कंट्रोल प्लस एस से आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस टी, फ्रेंड्स अभी हमने देखा कंट्रोल प्लस एम से हैंगिंग इंडेंट, यानी कि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में स्पेस होता है, सेम यहाँ पर भी वही चीज है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें फर्स्ट लाइन स्टॉप हो जाएगी और बाकी की जो टेक्स्ट है नीचे की जो पैराग्राफ की लाइन है वो सारी राइट साइड में खसकेंगी और लेफ्ट साइड में स्पेस होगा, इसमें ये डिफरेंस है। देखिए कंट्रोल प्लस की प्रेस किया मैंने, यानी कि फर्स्ट लाइन को रोके हुए है ये और बाकी की जो नीचे की लाइन है पैराग्राफ की वो राइट साइड की तरफ हो रही है।
यू से क्या होता है अंडरलाइन, यानी कि जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसमें अंडरलाइन हो जाएगी जब आप पहले से सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने लेफ्ट इंडेंट ये टेक्स्ट लिया और कंट्रोल प्लस यू प्रेस किया, देखिए अंडरलाइन हो गई। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ है वही टेक्स्ट कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इस ऑडियो को सिलेक्ट किया है और मैं इसे कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करूंगी और मैं इस कर्सर को वहां पर ले जाऊंगी जहां मुझे इस टेक्स्ट को रखना है और कंट्रोल प्लस वी प्रेस करूंगी। देखिए कंट्रोल प्लस वी से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज होता है। जब आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करोगे तो आपके पास क्लोज का ऑप्शन आएगा। क्लोज करने से पहले ही आपसे ऑप्शन लेगा कि सेव करना चाहते हो या नहीं, तो आप सेव करने के बाद उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। जो भी आप वर्क कर रहे हो जिस फाइल पे, आपकी फाइल वो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है आपका कट हो जाएगा। जैसे कि मैंने हेल्प को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस किया, देखिए कट हो गया। कंट्रोल प्लस वाई से स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ होगा और कंट्रोल प्लस जेड से स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ होगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस ए से ऑल सिलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कोई भी टेक्स्ट जो सिलेक्ट किया आपने वो डार्क हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी से सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी से डिफॉल्ट फॉन्ट सेट, यानी कि इसमें अपने फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में जो भी हेडलाइन है या फिर पैराग्राफ है वो सेंटर में हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ से यानी कि किसी भी पैराग्राफ में आपको कोई वर्ड फाइंड करना है वो आप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस जी से गो टू, यानी कि जिस लाइन पर जाना है, जिस पेज नंबर पर जाना है आपको, कंट्रोल प्लस जी से गो टू हो सकता है। कंट्रोल प्लस एस से रिप्लेस हो सकता है, कोई भी वर्ड रिप्लेस हो सकता है। कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक हो सकता है। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई हो सकता है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वल। कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक हो सकता है, यानी कि हम अपनी फाइल को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल से अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। और कंट्रोल प्लस एम से हैंगिंग इंडेंट, यानी कि लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ेगा कंट्रोल प्लस एम से, और जो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड की तरफ जाएगा, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल ओपन होगी। कंट्रोल प्लस ओ से पहले से सेव की हुई फाइल ओपन होगी। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होगा, यानी कि आपको जैसे कोई भी वर्क करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस कीजिए, आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा उससे, और आपको पता चल जाएगा कि जब हमारा प्रिंट आउट निकल के आएगा वो इस तरह का होगा। कंट्रोल प्लस क्यू से एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद नहीं है, हर पैराग्राफ के बाद स्पेस आ जाएगा आपका। कंट्रोल प्लस आर से अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड की तरफ जाएगा। कंट्रोल प्लस एस से सेव फाइल होगी, न्यू फाइल सेव होगी इसमें। जैसे आप करंट में वर्क कर रहे हैं तो आपने उसे सेव नहीं किया है पहले से, तो आप उसे कंट्रोल प्लस एस से सेव हो सकती है, और जो फाइल आपने नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस टी लेफ्ट इंडेंट, इनसे इससे क्या होता है कि जो आपने जैसे कोई भी वर्क है आपका जो स्पेस जो है वो लेफ्ट साइड पे रहेगा, आपका टेक्स्ट राइट साइड पे जाएगा खाली पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़कर। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होगा, कंट्रोल प्लस वी से कॉपी किया हुआ पेस्ट होगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एक्स से सिलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होगा यानी कि रिपीट होगा, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होगा।